वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल एक्सट्रीम स्टडी। मेरा नाम है राजवीर कौर और आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। सो फुल वीडियो जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में हम कूलम्स लॉ इन अ स्केलर फॉर्म और कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एंड इफ यू वॉन्ट डिटेल्ड ऑन कूलम्स लॉ इन अ स्केलर फॉर्म then you can go for my previous video which I already mentioned in the description box। और second part उसका जो है इस video का उसमें हम scalar और vector form के बारे में difference को देखेंगे। और third part में हम करेंगे हमारा actual जो topic है which is Coulomb's law in a vector form। So let's start। Coulomb's law in a scalar form में हमने पढ़ा था कि दो charges में attraction और repulsion कितनी force के साथ होगी, मतलब जो फोर्स होगी वो किन किन वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। अब कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म में हमने दो इक्वेशंस पढ़ी थी। फर्स्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मींस हमें इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके सामने दो पर्सन है, एक बहुत मोटा है और एक बहुत पतला है, और आपने उन दोनों पर फोर्स लगानी है, उन्हें पुश करना है, उन्हें धक्का देना है। तो आप किस पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाओगे? ऑब्वियसली जो पर्सन मोटा है आप उसको धक्का देने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। इसी तरह से चार्जेस में सेम केस है कि अगर चार्ज जो है उसकी क्वांटिटी उसमें उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर भी ज़्यादा फोर्स लगा सकेगा और वो खुद मूव करेगा तो भी उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सो यही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। सो द सेकेंड इक्वेशन इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर क्या था? हमारा डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू में जितना डिस्टेंस था वो उसे हमने माना था आर। means F is inversely proportional to R square। it means कि R की value जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी उनमें charges में जो force होगी वो उतनी ही कम होती जाएगी। अभी मान लीजिए मेरे पास ये magnet है, magnet, और इसके पास मैंने iron के छोटे छोटे pieces रखे, तो ये जल्दी से इन्हें attract कर लेगा अपनी तरफ। अभी इन्हीं आयरन पीसेस को मैंने थोड़ी दूर रखा तो इस मैग्नेट की फोर्स इन्हें अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की फोर्स है उसकी एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो इसी तरह से सेम केस है यहाँ पे, अगर आर की वैल्यू हम थोड़ी बढ़ा देंगे, मतलब इन क्यू वन और क्यू टू दोनों चार्जेस को हम थोड़ा दूर रखेंगे तो इसमें फोर्स की वैल्यू जो है वो स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब अगर आर की वैल्यू 1 मीटर है तो इसमें जितनी फोर्स की वैल्यू थी ये 2 मीटर करने पर 4 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब 2 का स्क्वायर इट्स 1/4 टाइम्स जो है वो एफ की वैल्यू इफेक्ट होगी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह हमने यहाँ पर लगाया था के, विच इज कॉन्स्टेंट। इट मीन्स जो फोर्स की वैल्यू है वो तो के पर भी डिपेंड करेगी, बट के तो कॉन्स्टेंट है। बट के इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught। और epsilon naught क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑन इन फ्री स्पेस। इसका मतलब कि अगर मीडियम जो है इन दोनों में वो एयर है, वैक्यूम है, तो उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 9×10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इससे हमें पता चला कि फोर्स की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्टली क्यू वन एंड क्यू टू मीन्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर, एंड सेकेंड डिस्टेंस पर, एंड थर्ड वन इज के विच इज कॉन्स्टेंट। नॉट के, वी कैन से द मीडियम इन विच बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड।
तो अब हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है, जिसमें कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं होती। सपोज आपको बोला गया है कि आपने 1 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, पर आपको ये नहीं पता आपको फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, लेफ्ट या राइट जाना है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। सो द नेक्स्ट सेकेंड थिंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन भी साथ में गिवन होगी। अगर 1 मीटर जाना है तो नॉर्थ की साइड पर जाना है या साउथ पर जाना है, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो जिसमें आपको वैल्यू के साथ साथ एक डायरेक्शन भी गिवन हो उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ लेट्स गो फॉर कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म में मान लीजिए हमारे पास दो छोटू से चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। तो इन दोनों चार्जेस को मान लेते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। इट मींस कि इनमें क्या होगी? रिपल्शन होगी। मींस इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो उस डायरेक्शन में होगी। तो इसको हमने नाम दे दिया F12। 1-2 मीन्स 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लगी वो क्या, उसे हमने क्या मान लिया? F12। और इस चार्ज पे हमने जो फोर्स लगाई वो मान लेते हैं F21। 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स लगी उसे हम बोलेंगे F21। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। सो इन दोनों में डिस्टेंस है जैसे r, तो Q1 से Q2 तक का जो यूनिट वेक्टर है उसे हम Q1 से 2 तक का यूनिट वेक्टर उसको हमने नाम दे दिया R21। मींस 2 से 1 तक का डिस्टेंस। तो सेम उसी तरह से इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम नाम देंगे R21। मींस 2 से 1 तक का। ये दोनों नाम हमने खुद अज्यूम किए। ये जो चारों टर्म्स हैं इनको हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे? सपोज F12 क्या है? फोर्स ऑन अ चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। उसी तरह से आप 2-1 का लिख लोगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। नेक्स्ट R12 इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2। सिमिलरली 2-1 यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे जो मेन इक्वेशन है डेरिवेशन उसे। सो फर्स्टली F12 की फोर्स हमें निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? चाहे आप F12 लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो, ये दोनों का मतलब है मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R2। इसमें हमने अभी डायरेक्शन की बात नहीं की। अब इस मैग्नीट्यूड को हटाकर हम लिखेंगे F12। अब इसमें वेक्टर टर्म्स में लिखेंगे, जिसमें बाकी की इक्वेशन तो सेम आएगी, साथ में एक यूनिट वेक्टर आएगा। अब F12 की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ से। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा है? ये, जिसको हमने नाम दिया था R21। इट मींस यहाँ पर क्या आएगा? R21। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म फॉर फोर्स F12। अब दूसरी इक्वेशन होगी F21 की। अब ये एरो इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा? R12।
So we can write this equation like Q1, Q2 upon unit vector. This is our second equation. अब ये जो दोनों equations हैं, ये क्या है? Coulomb's law in a vector form. तो students, अगर मान लो exam में आपको इस topic से related question आएगा, तो वो सेम ऐसे नहीं आएगा कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म. वो किस तरह से आ सकता है कि प्रूफ कीजिए F12 प्रूफ दैट F12 इज इक्वल टू माइनस F21. तो ये हम कैसे ड्राइव करेंगे? बाकी की सारी इक्वेशन को उसी तरह से लिखेंगे, लास्ट में दो स्टेप्स और ऐड कर देंगे. जैसे R12 इज अ यूनिट वेक्टर and 21 is a unit vector. Unit vector की वैल्यू हमेशा 1 होती है. ये बात आप याद रखना. यूनिट वेक्टर सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती. इसलिए R12 की डायरेक्शन जो है R21 के ऑपोजिट है. इट मीन्स R12 इज इक्वल टू माइनस R21. अब इस जगह पर अगर हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे F21, तो ये इक्वेशन बन जाएगी R² माइनस R21. माइनस का साइन हम बाहर लाएंगे तो यहाँ पे है R12 यूनिट वेक्टर. अब ध्यान से देखें तो ये वैल्यू सिमिलर है इस वैल्यू की, जिसमें सिर्फ माइनस इंक्लूड नहीं है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस F12. So that's it for today. Thanks for watching the video. Bye-bye.